नागपुर पुलिस की साइबर शाखा ने एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है, जहां नाइजीरियन आरोपी के इशारों पर एक विवाह इच्छुक युवक को लाखों का चूना लगाया गया। गौरतलब है कि 2019 से चल रहे इस अपराधी गिरोह का कड़ी मशक्कत के बाद अब जाके पर्दाफाश हुआ है। दरअसल 2019 में मनीष नगर निवासी सुनील देउलकर ने विवाह इच्छुकों के लिए बनाई गई मैट्रिमनी ऐप पर अपना अकाउंट खोला, जहां कुछ दिनों बाद किसी अज्ञात नंबर से सुनील को फोन आया, जहां बोल रही लड़की ने अपना नाम सुचित्रा दास बताया। साथ ही साथ उसने न्यू जर्सी में रहने की बात भी बताई। इस कॉल के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन सुचित्रा का फोन आया, जहां उसने बताया कि वह सुनील के लिए कुल 70,94,820 रुपयों का उपहार भेज रही है, जिससे सुनील बहुत खुश हुआ। लेकिन वही कुछ वक्त के बाद एक और कॉल आया, जिसने टैक्सेस के रूप में कुल 40,64,853 की मांग की, और इस व्यक्ति ने एक बैंक अकाउंट नंबर भेजा, जिस पर फिरियादी सुनील ने पैसे ट्रांसफर किए। लेकिन कुछ समय बाद अपने साथ धोखाधड़ी हुई है, यह बात सुनील के ध्यान में आई और मामले की गंभीरता को समझते हुए सुनील ने बेलतोरड़ी पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यह मामला साइबर शाखा को रूपांतरित किया गया, जिस मामले में पुलिस दिल्ली तक पहुंची, जहां इस पूरे गिरोह का पहला प्यादा 31 वर्षीय सुशील नाकर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने पूरा मामला उकल दिया। जहां उसने जानकारी दी कि इस मामले में 33 वर्षीय विशाल कुमार फेक अकाउंट बनाते हुए तकनीकी रूप से आर्थिक व्यवहार इस शतरंज के राजा अर्थात मुख्य आरोपी नाइजीरिया निवासी कोलिगस वैलेंटाइन एमएच लुजोचुकु उमेको तक पहुंचाता है, जिस जानकारी की सहायता से मुख्य आरोपी कोलिगस समेत निहित दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है और आगे की जांच पुलिस करी है, जिसकी जानकारी दी साइबर शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमित डोलस ने। सायबर पोलीस ठाण्यातून नुकताच एक क्लिष्ट असा मोठा गुन्हा आम्ही उघडकीस आणलेला आहे। त्याबाबत बेलतोरडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल होता, तो 286/2021। त्यामध्ये फिर्यादीच्या भावासाठी त्यांनी मॅट्रिमोनियल साईटवर रजिस्टर केलं होतं लग्नासाठी, आणि त्यानंतर त्यांना आरोपी अज्ञात आरोपी महिलेने कॉल करून व्हॉट्सअपवर सांगितलं होतं की बाबा मी इंटरेस्टेड आहे तुमच्या ह्या प्रपोजलमध्ये आणि मी अमेरिकेत राहते जर्सीला, आणि त्यांच्याशी बरेच संवाद साधल्यानंतर त्यांनी एके दिवशी त्यांना सांगितलं की मला काही भेटवस्तू तुम्हाला पाठवायचे आहेत, काही कोटी डॉलर्स तुम्हाला पाठवायचे आहेत, आणि त्या पद्धतीने त्यांनी ते पाठवल्याचं सांगितलं। आणि ते दिल्ली एअरपोर्टला भेटवस्तू आणि ते सगळे आलेले आहेत असं त्यांनी त्यांना फोटोज वगैरे पाठवले। त्यानंतर मग त्यांनी कस्टम ऑफिसर म्हणून अज्ञात आरोपींनी फोन केले आणि बाबा एवढे तुमचा इतर भेटवस्तू आलेले आहेत किंवा तुमचं पार्सल आलेलं आहे आणि ते सोडवण्यासाठी तुम्हाला कस्टम ड्युटी भरावा लागेल किंवा आणखी मनी लॉन्ड्रिंगचे काय टॅक्सेस भरावे लागतील असं वेगवेगळे कारणं सांगून त्यांच्याकडून जवळजवळ 40,64,853 रुपयाची फसवणूक केली। हा गुन्हा बराच जुना असल्याने आम्ही जेव्हा तो तपासावर घेतला तेव्हा ह्या अगोदरी एक टीम जाऊन आली होती, परंतु त्यांना बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये सक्सेस मिळालं नव्हतं। नंतर आम्ही आता मी स्वतः याच्यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेऊन। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष डिमरी की रिपोर्ट।